सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। बज चुके हैं 12:30। आज लेट स्टार्ट किया है मैंने, काम सारा कर लिया था, किचन का सब कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, पूजा मैंने कर ली है। पूजा करने के बाद फिर मैंने अपना ठाकुर जी को भोग लगाया। सो फ्रेंड्स, काम तो मेरा सारा हो गया था फिनिश, सारा क्लीनिंग और कपड़े अपड़े, खाने से सबसे फ्री। सुबह बनाए थे आलू के पराठे, वो जभी के लिए नाश्ते में हो गए। अब बनाऊंगी, कुछ बच्चे आएंगे तब उनसे पूछूंगी कि उनकी क्या फरमाइश है, फिर उनकी फरमाइश पर कुछ बनाया जाएगा, जैसे भी वो कहते हैं। क्योंकि अगर वो बना के रख दो जो उनकी मर्जी नहीं है, तो उन्हें तो वो खाना ही नहीं होता, फिर फ़ायदा क्या है। इसीलिए जब तक हम वेट करेंगे बच्चों का, 1 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे आज का रूटीन, देखो क्या रहता है। तो अब मैं, जब तक बच्चे आ रहे हैं, इतनी देर में मैं इनकी कपड़े वपड़े तय करके लगा देती हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद। जैसे ही मैं अपने लगा दूँगी कपड़े, जब तक एक दिन भी अगर मैं लेट होगी देने में इतनी ही देर में, तो वो ऐसे निकालती हैं कपड़े और ऐसे ठूसती हैं और सारे कपड़े ख़राब कर देती हैं। मुझे पता है मोस्टली लोग इसी चीज़ से परेशान होंगे, तो क्या करें, जब तक बच्चे हैं तब तक देखना तो पड़ेगा। रिशु की अलमारी हो गई सेट, सारे कपड़े लगा दिए। ये रिशु के वो कपड़े हैं जो छोटे हुए हैं, वो निकाल दिए। और ये हैं मैडम, जब एक दिन रिशु आपका डॉल कलेक्शन दिखाएंगे। ओके ओके, चलो सारे डॉल निकालेंगे। हाँ, अब हम करते हैं होमवर्क। मैं देखती हूँ तुम्हारे स्कूल से क्या होमवर्क मिला है। ठीक है, बैठो सही। मम्मा, हाँ, गलत हुआ और अच्छी राइटिंग तो राइटिंग के तो मिल जाएंगे। कोई नहीं, अरे ऐसे थोड़ी है, गलत हुआ तो राइटिंग के मिल जाएंगे। पहली बात तो गलत करना ही नहीं है ना। मैम ने ढोल भी दे रखा। हाँ, पहले आप अपनी रिवीजन शीट करो। चीनी के पराठे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि बच्चे जो कहेंगे वही बनाना होता है, और कुछ और कुछ बना लूँ मैं तो वो खाएंगे नहीं, बनाना फिर भी वही है, तो भाई जो उन्हें पसंद है तो वही खा लेंगे। चलो देखकर आते हैं हिताक्षी को। इसके लिए सॉस, सॉस में लेकर आ रही हूँ। तो चीनी के पराठे अचार से तो अच्छे भी लगे हैं, सॉस से क्या अच्छे लगेंगे? अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप भी बताना कि चीनी के पराठे किसे किसे पसंद है, कमेंट में बताना। आप लगाओ 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 भाई, कम से कम 20 मिनट ये लग गई कैप। अच्छे से खाना, ठीक है ठीक है। आज आलू के पराठे कैसे लगे? बढ़िया, चलो खाओ। ये चल रहा है इनका व्लॉग। मेरी गैस जली रही है, फटाफट से रखती हूँ। मैं ना चीनी के पराठे उसमें बनाती हूँ देसी घी में, तो देसी घी में बनाना ही पसंद है, तो बच्चे इस बहाने अच्छे से खा भी लेते हैं। धुआं देखो जो कितना निकल रहा है। मेरा ये वाला जो तवा है वो कुछ जो पराठे सेकती हूँ उससे काम आता है, और ये वाला रोटियों के काम आता है, क्योंकि इस पर चिकनाई जम जाती है ना तो बहुत ही गंदा हो जाता है, फिर वो साफ ही नहीं होता कितनी भी कोशिश कर लो। लो कैसा है? गरम गरम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि हमारे ब्लॉग में Q&A सेक्शन हुआ था, क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे थे, तो मुझे एक क्वेश्चन का और लग रहा है, एक क्वेश्चन का कि हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जिसको पता हो वो इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर लिखना और बताना कि हमारे देश का, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखते हैं किस किस को पता है। तो बोलो। आपका होमवर्क पूरा हो गया? खाली एक ही।
देख रहे हैं क्या? इसका पेपर कैसे फाड़ दिया आपने? यहाँ भी निकल जाए। कब मार्केट कब चलना? क्यों नहीं पता? मार्केट तो जाना है, मुझे करवे की शॉपिंग करनी है। करवे? मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है। दिवाली की शॉपिंग करनी है तुम्हें? मुझे करवे की शॉपिंग करनी है। चलो यार कब जाओगे? हैं? कब जाओगे? चलेंगे चलेंगे तो संडे में। संडे में? अरे मम्मी साइकिल सैटरडे को चल लेना, कल भी छुट्टी है मेरी, मैं भी चलूंगा दिवाली की शॉपिंग करने। हाँ बेटे, इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है बताओ? क्या है बताओ? क्या है? वही तो है। क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्या सवाल है बताओ? एक लेडीज क्या पूछ सकती है? सबसे बड़ा सवाल उसका क्या है बताओ? अरे बताओ कि आज क्या सब्जी बनेगी, क्या बनाऊं? सबसे कठिन सवाल जिसका नहीं किसी पे कोई जवाब, सुबह शाम बस यही पूछते रहे, क्या बनेगा आज सब्जी में। इस बीच में हम शॉर्ट्स बना रहे थे अपने। मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थप्पड़ मारूंगा तेरे कमेटी के पैसे हैं ये। दिखाओ क्या बनाएंगे। और ये दादा ये क्या है? हैं? नाजुको। नाजुको? हाँ। तो भूतनी लग रही है कोई? भूतनी। और चुड़ैल। और ये क्या है? गोकू। इधर? गोकू। क्या राक्षस वंशों का क्रिएटिंग चल रही है? क्रिएटिंग नहीं है, एनिमेशन की। कौन सा एनिमेशन है ये? और दीदी कितना हार्ड हार्ड बना दिया है। अच्छा तो कल स्कूल नहीं जाना ना तुम्हें? जाना है। जाना है? पीडीएफ तो कुछ आई नहीं अभी तक। रिशु आपको? मुझे नहीं जाना कल सेकंड सैटरडे और संडे। तुमने फिर ड्रेस चेंज कर ली, तुम्हारी सुबह से ले गई हो, तीसरी ड्रेस है, है? कितना चेंज करती हो? मैं तो यार ऊपर से सर पे से कपड़े उठाना भूल गई। चलें। गुड 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 गुड। आज तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। इधर होता है पीछे की तरफ बहुत दर्द, कभी भी होने लगता है अचानक से। फिर तो वो ऐसा होता है कि टन 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 करके यहाँ पे बजाता रहे बस खोपड़े में, तब भी कुछ असर नहीं पड़ता। अब दवाई खाई है, दवाई खा के थोड़ा सा आराम मिलेगा, फिर देखती हूँ क्या करूँ। ऋषि जरा मेरे सर में ऐसे कर देना। सही से सही से। साक्षी सर दबा दे भाई। मैं चार बच्चों से ही करवा रही हूँ। और किससे करवाऊंगी? मैंने इतना सारा काम करा है स्कूल का। हाँ। मेरे हाथ नहीं दर्द हो रहे होंगे? तो हाथ दर्द हो रहे होंगे। ये सही है ऋषु तुम्हारा, मम्मा के नहीं हाथ दर्द होते होते हैं। तो फिर खिचड़ी हमने बना ली है, देखो देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, बटर के साथ। और ये टीवी में चल रहा है हमारा व्लॉग, क्योंकि आज मैंने अपना व्लॉग नहीं देखा था, जरा देख लेती हूँ कैसा बना हुआ है। सब्सक्राइबर आए हैं? कितने सब्सक्राइबर आए हैं? सभी सब्सक्राइबर्स का थैंक यू। ये है मेरा छोटा प्यारा बच्चा। अरे 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 ये रो रहा है, ये रो रहा है। अच्छा सुन 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 सुन, अरे सुन तो। अरे 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 क्या हो गया?
इतनी सुन, अच्छा सुन सुन तो सही सुन, कैसे नाराज क्यों? मैं नाराजगी की वजह बता दे बस, क्यों नाराज है? बता दी थी फोन चाहिए आपको, अलग से चाहिए? आईफोन चाहिए। लो भाई इसे आईफोन चाहिए। माँ बाप तो इनके इन्हीं फोन से काम चला रहे हैं नॉर्मल वालों से, ठीक है? और बच्चे ये आईफोन है, किसने कहा आपसे? और बच्चों को चाहिए आईफोन, बड़ी वाली भी ये डिमांड कर रही है कि भैया आईफोन ले लो, ये भी मैडम यही कह रही है। तो फ्रेंड्स अपना व्लॉग मैं आज यहीं पे खत्म करती हूँ, कल मिलती है एक नई व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।